नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ड्यू एडमिशन में तीसरे नंबर पर पहुंचा बिहार। राजभवन का निर्देश, परीक्षाएं समय पर करवाए विश्वविद्यालय। यूपी में पराली जलने से बिहार में खतरनाक वायु प्रदूषण। बिहार को मिले 10 IAS अफसर। T20 विश्व कप 2024 की तैयारी को लेकर हार्दिक पांड्या ने बताया रोड मैप। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। RJD विधायक से इंश्योरेंस के नाम पर की ठगी। बिहार में बढ़ रहे क्राइम के बीच एक मामला गया के शेरघाटी से सामने आया है, जहां अपराधियों ने शेरघाटी की RJD विधायक मंजू अग्रवाल को निशाना बना गाड़ी के इंश्योरेंस के नाम पर 21,979 रुपए की ठगी की है। इस मामले को लेकर इंश्योरेंस करने वाले एजेंट के खिलाफ शेरघाटी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार 10 मार्च को अभिकर्ता बदन कुमार सिंह के माध्यम से विधायक ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया था। इस बीच 26 अक्टूबर को धनरुआ के निकट विधायक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद इंश्योरेंस का पेपर फर्जी पाया गया। बक्सर में आज लगा विश्व प्रसिद्ध लिट्टी चोखा मेला। बिहार के बक्सर जिले में लगने वाले पंचकोशी मेला का आज अंतिम दिन है। ऐसे में पांचवें पड़ाव पर चैत्र वन के नियम के अनुसार आज लिट्टी चोखा का विश्व प्रसिद्ध मेला लगा। मिली जानकारी के अनुसार इस मेले में 1 से 1.25 लाख लोग शामिल होंगे। आंकड़े के गौर करें तो एक एक कारोबारियों ने लगभग 80,000 से 1.5 लाख उपले की आवक की हुई है। इस मेले की 5 दिनों में 5 कोस की दूरी तय कर 5 अलग स्थानों पर पड़ाव डाले जाते हैं। इनमें पहला पड़ाव अहिरौली में पुआ, दूसरा पड़ाव नंदाव में खिचड़ी, तीसरे पड़ाव भभुअर में चूड़ा दही, चौथे पड़ाव नुआव में सत्तू मूली और अंतिम पड़ाव चरित्र वन में लिट्टी चोखा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। नीतीश, तेजस्वी, डिंपल यादव के लिए मांगेंगे वोट। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यूपी जाने की तैयारी में है। दरअसल नीतीश, तेजस्वी इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी व अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की निधन के कारण वहां उपचुनाव हो रहा है। हालांकि अब तक यह तय नहीं किया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार करने के लिए जाएंगे या नहीं, इस पर अभी भी आशंका बनी हुई है। बताते चले कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। CM नीतीश ने की कृषि रोड मैप को लेकर बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चतुर्थ कृषि रोड मैप की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें रोड मैप के सूत्रण हेतु संबंध 12 विभागों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 75% आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसे में हम 2008 से कृषि रोड मैप के माध्यम से लगातार काम कर रहे हैं, ताकि कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का तेजी से विकास हो सके। उन्होंने बताया कि देश में जितना क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है उसका 73% बिहार का है। इसके साथ उन्होंने कहा कि तीनों कृषि रोड मैप की कई उपलब्धियां हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं कुछ और कमी है, उसे दूर करें और चौथे कृषि रोड मैप के लिए बेहतर कार्य योजना एवं लक्ष्य निर्धारित करें। बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त, वाणिज्य, कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा तथा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। सोनपुर मेले में सिंगर मैथिली ठाकुर ने बिखेरा सुरों का जादू। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में प्रत्येक दिन किसी बड़े कलाकारों को बुलाया जाता है। ऐसे में बीते दिन कार्यक्रम में सिंगर मैथिली ठाकुर का आगमन हुआ, जिन्होंने अपने सुरों के जादू से पारंपरिक गीत गाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। बता दें कि मैथिली ठाकुर के आगमन को लेकर मेले में खास तैयारी की गई थी, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। वहीं दर्शकों का जमावड़ा उनके आने से 2 घंटे पहले ही हो गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि मैथिली ठाकुर साड़ी के लिबास में सोनपुर मेले पहुंची थी। बताते चले कि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें प्रत्येक चिन्ह देकर स्वागत किया गया था। DU एडमिशन में तीसरे नंबर पर पहुंचा बिहार। CUET के लागू होने के बाद बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को बड़ी उछाल मिली है। बता दें कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लागू होने से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले बच्चों में बिहार बोर्ड के 1450 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। इसी के साथ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स ने यूपी, केरल, हरियाणा, राजस्थान स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ दिया है। वहीं बिहार बोर्ड CBSE और ICSE के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले बोर्ड में तीसरे नंबर पर आ गया है। वहीं अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में बिहार बोर्ड का नाम टॉप 5 में भी नहीं रहा था। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि DU के अनुसार फर्स्ट लिस्ट में ही बिहार बोर्ड के 1348 स्टूडेंट्स शामिल हो गए थे। इससे यह पता चलता है कि CUET लागू होने से बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स ने टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन किया और DU में एडमिशन लेने में बिहार बोर्ड ने टॉप 3 में स्थान बनाया। मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के लिए मांगा 29.64 करोड़।
गन्ना उद्योग विभाग ने वित्त विभाग को विधिवत प्रस्ताव भेजकर मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के लिए राज्य सरकार से 29.64 करोड़ रुपए की मांग की है। वहीं अगर पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत 28.50 करोड़ रुपए मिले थे, जिसे अब बढ़ाने की मांग की गई है। हालांकि यह मांग स्वीकृति के अंतिम चरण में है। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना को 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई गई है। इस योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को गन्ना की खेती करने के लिए अनुदान प्रदान करती है। राजभवन का निर्देश, परीक्षाएं समय पर कराए विश्वविद्यालय। बीते दिन बुधवार को राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान के निर्देश पर बैठक बुलाई गई थी। बता दें कि यह बैठक राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों के बीच हुई। इस बैठक के दौरान सभी को निर्देश दिया गया कि सभी परीक्षाएं समय पर कराई जाए और उसके परिणाम को भी समय पर निकाला जाए, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बताते चले कि यह बैठक राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू की अध्यक्षता में कराई गई थी। यूपी में पराली जलने से बिहार में खतरनाक वायु प्रदूषण। बिहार में बीते कुछ दिनों से वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता जा रहा है। ऐसे में बिहार के कुछ जिलों को देश के सबसे प्रदूषित शहरों में रखा गया है, जिनमें सिवान, बेतिया, बेगूसराय, बक्सर और छपरा जैसे जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें बेतिया का AQI 423, सिवान का 394, बक्सर का 350 और छपरा का 341 है। वहीं अगर बीते दिन बुधवार की बात करें तो बीते दिन भी बिहार के कई शहरों को वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ज्यादा रहा। अगर पर्यावरण विशेषज्ञों की माने तो उनके अनुसार वायु की गुणवत्ता का सूचकांक बढ़ने का मुख्य कारण हाल के दिनों में पराली जलाना और नदियों का सिल्ट उड़ना का माना गया है। इसके अलावा ठंड में धुंध छाने की वजह से भी हवा में प्रदूषण के कण की मात्रा बढ़ती जा रही है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। पटना यूनिवर्सिटी में हो रहे छात्र संघ चुनाव का आज आखिरी दिन है। बता दें कि आज चुनाव प्रचार प्रेसिडेंशियल डिबेट के साथ खत्म हो जाएगा, जिसमें प्रत्याशी अपने अपने एजेंडों के बारे में बातें करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि यह प्रेसिडेंशियल डिबेट साइंस कॉलेज के खुले मैदान में सभी 7 अध्यक्ष उम्मीदवारों के बीच कराई जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को अपनी बात रखने के लिए 7 मिनट का मौका दिया जाएगा। विश्वविद्यालय चुनाव कमेटी के अनुसार महिला प्रतिनिधि शाम 6 बजे तक और पुरुष प्रतिनिधि रात 10 बजे तक प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बताते चले कि छात्र का यह चुनाव 19 दिसंबर को होना है। प्रशांत किशोर का नीतीश पर तंज। बिहार के कई जिलों में लगातार वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। बिहार के इसी बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के वायु प्रदूषण की चर्चा है, जबकि देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 7 बिहार के हैं। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार जी, ऐसा लगता है जैसे प्रदूषण नापने वालों को भी कोई ज्ञान नहीं है, या फिर सब आपके होम डिलीवरी वाले शराबबंदी से नाराज होकर गलत आंकड़े दे रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी प्रशांत किशोर शासन व्यवस्था को लेकर और शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर कई बार निशाना साधा है। बिहार को मिले 10 IAS अफसर। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से सिविल परीक्षा 2021 के कैडर के आवंटन को लेकर सूची जारी की गई है। सूची में दिए गए जानकारी के अनुसार बिहार को 3 स्थानीय सहित 10 IAS अधिकारी मिले हैं। बता दें कि सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में बिहार निवासी 14 अभ्यर्थियों को IAS के लिए चुना गया है, जिनमें से 3 को बिहार कैडर आवंटित किया गया है। तो वहीं बाकी बचे अभ्यर्थियों को गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नागालैंड और उत्तराखंड कैडर दिया गया है। उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर छापेमारी। आज गुरुवार की सुबह एक साथ जांच एजेंसियों के दौरान नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन अब तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके ठिकानों पर किन कारणों से जांच एजेंसी के द्वारा छापेमारी की गई है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि समीर महासेठ का नाम जांच एजेंसी की नजर में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले को लेकर आया है। बता दें कि पूर्व मंत्री राजकुमार महासेठ के पुत्र समीर महासेठ को अगस्त 2022 में, जब नीतीश कुमार ने NDA से नाता तोड़ा था और राजद और अन्य दलों साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई थी, उस दौरान समीर महासेठ को 16 अगस्त को मंत्री बनाया गया था और फिलहाल वे नीतीश सरकार में उद्योग विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं। T20 विश्व कप 2024 के तैयारी को लेकर हार्दिक पांड्या ने बताया रोडमैप। 2024 में होने वाले T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का रोड मैप शुरू हो गया है। इस बात की जानकारी न्यूजीलैंड दौरे पर भारत के T20 कप्तान हार्दिक पांड्या के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में कई खिलाड़ियों को पुख्ता मौका दिया जाएगा। अभी T20 विश्व कप होने में 2 साल का मौका है। इस दौरान कई मैच खेले जाएंगे और कई खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि 2024 में होने वाले T20 विश्व कप वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। हार्दिक ने आगे कहा कि हमें इस हार से सीखना होगा और अपनी नाकामी को भूलकर आगे बढ़ना होगा।
वहीं कई खिलाड़ियों के लिए यह सीरीज महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां अच्छा खेलना ही उनके चयन का रास्ता बन सकता है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.58 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 109.11 रुपए और डीजल 95.76 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.02 रुपए और डीजल की कीमत 94.75 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां गुरुवार को भाव 109.73 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, विजय पांडे, रंजीत मिश्रा, अनुज कुमार, कौशल, नवीन कुमार, रविशंकर, रोहित राज, मोहम्मद शकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद नौशद राजा, मुतुल रंगीला, कविता कुमारी, कुश कुमारी यादव। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार के विश्वविद्यालयों में परीक्षा समय पर न होने से छात्रों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।